मध्य प्रदेश में रंग बदलता मौसम, बादल हटते ही ठंड का जोर शुरू। सागर और रतलाम में सामान्य से कम हुआ रात का तापमान, प्रदेश भर में तापमान 4 डिग्री तक नीचे आया। भोपाल में दबाव में आई सरकार, 10वीं 12वीं की कक्षाएं 18 दिसंबर से लगने का जारी किया फरमान। हकीकत में इस महीने 5 दिन ही खुलेंगे स्कूल, छात्रों पर आने का दबाव नहीं, अभिभावकों की मंजूरी होगी जरूरी। क्राइसिस मैनेजमेंट की रिपोर्ट के आधार पर लिए जाएंगे निर्णय। एलपीजी गैस सिलेंडर फिर 50 रूपए महंगा, 15 दिन में 100 रूपए की बढ़ोतरी। सब्सिडी का अब तक कोई अता पता नहीं, मंगलवार को 650 से बढ़कर 700 रूपए हो गई सिलेंडर की कीमत। जबलपुर में एकीकृत विद्युत विकास योजना, जबलपुर रीवा और सागर में 300 करोड़ के अंडरग्राउंड होगी बिजली। आंधी तूफान में भी गुल नहीं होगी लाइट, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने तैयार कराया प्रस्ताव। इंदौर में ठंड का सिलसिला जारी, 5वें दिन भी अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम, बादलों की आवाजाही होगी बंद, धूप निकलने के साथ ही घटेगा रात का तापमान। मध्य प्रदेश की सतना में रिश्तों का कत्ल, 2 बच्चों व पत्नी की गला रेत कर की हत्या। हत्या के बाद पति ने लगाई फांसी, सब्जी काटने के चाकू से दिया वारदात को अंजाम, सतना के मंजकवा कस्बे की घटना। ग्वालियर में घटिया प्लाज्मा बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, ब्लड बैंक से सिर्फ 1100 रूपए में खून खरीद कर 18,000 के नकली प्लाज्मा बेचता था सरगना। खून के काले कारोबार से नकली प्लाज्मा बनाते थे गिरोह के सदस्यों से पूछताछ में नित नए खुलासे। भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान, मध्य प्रदेश के किसानों को बताया समझदार, नए कृषि बिल के हितों को जानते हैं किसान, कांग्रेस के उपवास कार्यक्रम पर साधा निशाना। भोपाल में नए कृषि कानून पर बोले पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाना चाहती मोदी सरकार, किसानों की कर्ज माफी पर झूठ बोल रही शिवराज सरकार, कांग्रेस जमीनी स्तर पर करेगी नए बिल का विरोध। हमीदिया मामले में बीजेपी लीपापोती कर रही पीसी शर्मा, नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस फिर करेगी शानदार वापसी। इंदौर में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटों में 398 नए मरीज आए सामने, कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 49,916 पर, 4 नई मौत के साथ मौत का आंकड़ा पहुंचा 822 पर।